सलमान खान और मनीषा कोइराला ने 1996 में खामोशी द म्यूजिकल फिल्म की थी। ये वो फिल्म थी जिसमें कोई हीरो हीरोइन काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये फिल्म संजय लीला भंसाली की पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म थी। ऐसे में एक्टर्स को संजय लीला भंसाली के साथ काम करना खतरे की घंटी लग रहा था। संजय लीला भंसाली की पहली फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अनिल मेहता ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि भंसाली ने हर दिन कई एक्ट्रेस की वैनिटी के बाहर खड़े होकर इंतजार किया है, ताकि वो खामोशी फिल्म में उन एक्ट्रेस को कास्ट कर सके, लेकिन कई लोगों ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया था। वहीं सलमान खान और नाना पाटेकर भंसाली की मेहनत देखकर फिल्म करने के लिए राजी हो गए थे। भंसाली ने फिल्म में माधुरी दीक्षित से लेकर काजोल तक को लेना चाहा था, लेकिन सब ने इनकी फिल्म को करने से इनकार कर दिया था। तब ये फिल्म मनीषा कोइराला ने करने से हां कर दी थी और इसी तरह ये फिल्म मनीषा के हिस्से में आई थी। हालांकि हम दिल दे चुके सनम, रामलीला, पद्मावत, देवदास और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्में बनाकर संजय लीला भंसाली ने न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि दुनिया भर को अपने टैलेंट से हैरान कर दिया है। और आज आलिया भट्ट से लेकर दीपिका पादुकोण जैसी कई बड़ी स्टार संजय लीला भंसाली के साथ काम करने के लिए बेताब रहती हैं। वैसे आपकी संजय लीला भंसाली की